स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2024 जो 12,199 पोस्ट के लिए निकाली गई थी, जिसके लिए आपको आवेदन भी ऑनलाइन मोड में मांगे गए थे, अब जो है बीएसएससी इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है दोस्तों। जो बिहार एसएससी का अब एग्ज़ाम होगा, अब आपका ऑफलाइन ना होगा, ऑनलाइन होगा। हम अपने से ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर के बीएसएससी ने नया नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया है कि अब जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा और जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया है, जो नया नोटिस जारी किया गया है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में ऑफलाइन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा धांधली हो रहा है, ठीक है। इस धांधली को रोकने के लिए बीएसएससी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि अब आपका एग्जाम ऑफलाइन ना लेकर के ऑनलाइन लेगा, ठीक है। तो आइए इस नोटिस के माध्यम से सबसे पहले हम आपको प्रूफ दे देते हैं कि कोई भी ऑफिशियल जब नोटिस आता है तो फेक होता है या सही होता है, इसको जांच करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई नोटिस आया है या नहीं है, या यह नोटिस फेक है, क्लियर। तो अभी देख लीजिए, 8:33 हो रहा है और इस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए 14/8/2024 यह बीएसएससी यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएससी का, ठीक है, यानी कि बिहार एसएससी का, क्लियर। 14/8/2024 को विज्ञापन संख्या देख लीजिए 2/2023, यानी कि 2023 में यह भर्ती आया था, ठीक है। इसको लेकर के देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस रिकॉर्डिंग एडीवीटी नंबर यानी कि विज्ञापन संख्या 02/2023 सेकेंड इंटर लेवल यानी कि कॉम्बाइनेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के जारी किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस नोटिस को डाउनलोड करके मैं विस्तृत तरीका से आपको समझाता हूं कि इस नोटिस में बीएसएससी ने क्या बताया है। और देखिए नोटिस आपके सामने है और इस नोटिस को देखिए, यहां पर बताया गया है आवश्यक सूचना, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, दिनांक देख लीजिए पटना 14/8/2024, यानी कि आज कितना तारीख है, तो 14 अगस्त है, ठीक है, आज ही के दिन यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बताया गया है यानी कि ज्ञापांक जो दिया गया है 26/14 दिया गया, ठीक है। बताया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की, ध्यान रखिए यहाँ पर, अधियाचनाओं के अवलोकन में आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 02/2024 का प्रकाशन दिनांक की जो भर्ती आया था 19/9/2023 को आया था, यानी कि नवंबर में आपका भर्ती आया था, ठीक है। आगे बताया है सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए, ठीक है। आगे देखिए विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 की अंतिम उपकंडिका निम्न होगा। और इसमें क्या बताया गया है, देखिए यहां पर लिखित परीक्षा, यही इंपोर्टेंट बात है इस नोटिस का, ठीक है। लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी, ठीक है। उक्त उपकंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा, ठीक है। यानी कि अब जो आपका बीएसएससी यानी कि बिहार इंटर लेवल जो भर्ती है 12,199 पोस्ट के लिए, अब आपका एग्जाम ऑफलाइन तो होगा ही नहीं, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन है, स्पष्ट रूप से इस नोटिस में बता दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि यानी कि अद्यतन सूचना निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट जो है यानी कि bssc.bihar.government.in का सतत अवलोकन करते रहें। देखिए इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन होगा और इसको लेकर के एग्जाम को लेकर के और नोटिस आपको जारी किया जाएगा बीएसएससी आयोग के द्वारा, इसको लेकर के आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि बीएसएससी अब इंटर लेवल जो 12,199 पोस्ट का जो
ऑनलाइन एग्जाम है, इसको लेकर के अब आपका एग्जाम में और कितना समय लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी आयोग हो जिसको एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है वो सबसे पहले सेंटर ढूंढता है, ठीक है। अब जो बिहार एसएससी है यह ऑनलाइन एग्जाम मतलब कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जिन जिन जिला में कंप्यूटर यानी कि उपलब्ध है, सेंटर उपलब्ध है, तो सबसे पहले तो इस सेंटर को खोजेगा, उसके बाद आपका एग्जाम लेगा, ठीक है। तो अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त सितंबर यानी कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम बीएसएससी के लिए करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी भी फॉर्म डाल करके आप अगर सुस्त हो गए थे तो आप अपने तैयारी में लग जाइए, डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, अपने सिलेबस के अनुसार रिवीजन करते रहिए। देखिए अभी हम बिहार पुलिस के एग्जाम में लगे हुए हैं, बहुत जल्द आपको एक सप्ताह के अंदर सिलेक्टेड प्रश्न का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनन सर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी के लिए, जैसे बिहार पुलिस में प्रश्न छप रहे हैं सर के टेस्ट से, वैसे ही हम आप सभी को बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी सूचना यानी कि नोटिस या इन्फॉर्मेशन बिहार एसएससी की तरफ से निकल करके आए तो यूट्यूब के माध्यम से हम आप सभी को सूचित कर सके, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, तो कोई भी सूचना आएगा अगर आपके इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो वीडियो आपके फोन तक पहुंचेगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी सूचना था, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सूचना था, अगर आप पढ़ाई कमजोर कर दिए थे तो लग जाइए आपका एग्जाम बहुत जल्द करवा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।